हाय देयर, ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 14th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इसकी स्लाइड भी आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर की जाएगी, उसका लिंक दिया जाएगा, ताकि अगर आपको स्लाइड्स को सर्च करने में प्रॉब्लम है तो आप उस स्लाइड को हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले इसमें है नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें दो थ्योरीज के नाम दिए गए हैं, मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी एंड ईआरजी थ्योरी ऑफ एल्डी बाय एल्डिफर। सो ये थ्योरीज पिछले लेसन के अंदर आ चुकी है। अब इस लेसन के अंदर जो थ्योरी है नीड की, वो है डेविड मैक्लेलैंड की थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर तीन तरह की नीड्स हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। और इसी का यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, एन पाओ यानी कि नीड फॉर पावर, एन ए सी एच यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट, एंड एन एफ यानी कि नीड फॉर एफिलिएशन। सो अब इनको एक एक करके समझते हैं। सो नीड फॉर अचीवमेंट है क्या असल में? सो नीड फॉर अचीवमेंट की अगर बात की जाए, सो इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअल स्ट्राइविंग करना, कोशिश करना, लगातार कोशिश करना एक्सीलेंस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के अंदर और इनोवेशन के अंदर। और यहाँ पे जो दिया गया है इसके मुताबिक, द डिज़ायर टू डू समथिंग बेटर, डिज़ायर टू डू समथिंग बेटर, कुछ बेटर करने की, और मोर एफिशेंटली, ज़्यादा एफिशेंटली तौर पे, एफिशिएंसी के साथ, यानी कि टू सॉल्व प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए, और टू मास्टर कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कि जो मुश्किल तरीन टास्क है उनको मास्टर कर लिया जाए। नीड फॉर एफिलिएशन क्या है? द डिज़ायर टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशन विद अदर। अब इसके नाम से पता चला है एफिलिएशन होना है, इनकी जुड़ना है एक तरह से किसी के साथ, तो वो डिज़ायर होना जिसके जरिए स्टेब्लिश किया जाता है और मेंटेन किया जाता है फ्रेंडली और वार्म रिलेशन दूसरों के साथ। तीसरा है फिर नीड फॉर पावर। अब जो पावर की बात हो रही है, तो डिज़ायर टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों के कंट्रोल करने का डिज़ायर होना, टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। या फिर सो नीड थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। अब दरमियान में जो है वो नीड के और परफॉर्मेंस के बिहेवियर है, दरमियान में बिहेवियर है, नीड है, और उसके एक दूसरी तरफ एक तरफ नीड, एक तरफ परफॉर्मेंस, और दरमियान में जो है वो बिहेवियर है। सो इक्विटी थ्योरी। अब इक्विटी थ्योरी जो है एक्चुअली इक्वालिटी के मुताबिक है, इक्वालिटी के बारे में एक्चुअली है, हो सकता है ये थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी हो। सो इंडिविजुअल्स जो है वो कंपेयर करते हैं अपनी जॉब का जो इनपुट होता है, इनपुट जो होता है, इनपुट से मुराद उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह और जितनी वो एफोर्ड वगैरह करते हैं, वो तमाम चीज़ें इनपुट में आ जाती हैं, एंड आउटकम विद दोस ऑफ अदर्स। और आउटकम भी, आउटकम से मुराद जो उनको मिल रहा है जॉब से, जो कुछ उनको मिल रहा है वो आउटकम है, और इनपुट वो है जो वो लगा रहे हैं। तो उन इस चीज़ को वो क्या करता है, कंपेयर करता है दूसरों के साथ, एंड देन रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट एनी इनक्वालिटी, और उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्ड भी करता है उसके मुताबिक, ताकि जो भी इनक्विटीज पाई जा रही हैं यानी कि बराबरी जो नहीं पाई जा रही उसके मुताबिक फिर वो उसको रिस्पॉन्ड भी करता है, ताकि वो बराबरी को ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ पे फार्मूले के जरिए दिखाया जा रहा है कि सेल्फ इनपुट डिवाइडेड बाय सेल्फ आउटकम, यानी जितना वो इनपुट लगा रहा है उसको डिवाइड किया जा रहा है, उस जितना उसको आउटकम मिल रहा है बराबर है या नहीं, जो दूसरे का इनपुट है डिवाइडेड बाय और दूसरे का जो आउटकम है, तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते हैं पीयर्स से एंड योर सेल्फ इन अदर सिचुएशन, अपने आप से भी कंपेयर करता है कि दूसरी सिचुएशन में मुझे इतना इनपुट दिया तो मुझे इतना आउटकम मिला, तो अपने आप से भी कंपेयर कर सकता है, और साथ में जो पीयर्स हैं, जो साथ काम करने वाले लोग हैं या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन हो सकता है। सो इक्विटी थ्योरी के बारे में यहाँ पे और भी दिया गया है कि पीपल गॉग द फेयरनेस ऑफ देयर वर्क आउटकम्स इन रिलेशन टू अदर, यानी कि लोग गॉग करते हैं, मेजर करते हैं जो फेयरनेस होती है उनके वर्क आउटकम की, जो उनको आउटकम मिल रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में इन रिलेशन टू अदर, दूसरों के मुकाबले में उनको कितना मिल रहा है, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, एफोर्ड है, क्या उतनी उनको सैलरी मिल भी रही है या नहीं मिल रही, तो इस चीज़ को वो मेजर करते हैं, नापते हैं बकायदा। एंड परसीव इनइक्विटी अकर्स व्हेन देयर इज एन अनफेवरेबल सोशल कंपैरिजन ऑफ वर्क आउटकम। परसीव्ड इनइक्विटी भी होती है, इनइक्विटी यानी परसेप्शन जो होता है एक्चुअली, सो वो तब होती है जब एक अनफेवरेबल सोशल कंपैरिजन होता है वर्क आउटकम का। एंड व्हेन परसीव इनइक्विटी अकर्स, जब परसीव्ड इनइक्विटी होती है, सो पीपल विल बी मोटिवेटेड, सो लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं ताकि वो रिमूव कर सकें जो डिस्कम्फर्ट है। सो इक्विटी रिस्टोरेशन बिहेवियर्स। अब इसके जो बिहेवियर है इसमें क्या, चेंज वर्क इनपुट यानी कि एडजस्ट करना इनपुट को, एंड चेंज द आउटकम रिसीव, आउटकम जो रिसीव है उस पर वर्क करना, एंड लीव द सिचुएशन, जॉब को छोड़ देना, ऐसा भी हो सकता है, एंड चेंज द कंपेरिजन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए गए कंपेरिजन के उनको चेंज किया जाए, एंड टेक एक्शन टू चेंज द इनपुट्स और आउटपुट्स ऑफ द कंपेरिजन पर्सन, एक्शन लिया जाए चेंज करने के लिए इनपुट या आउटकम जो है वो कंपेरिजन पर्सन का।
सो नाउ दी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेटेड होते हैं परफॉर्म करने के लिए अगर उनको ये पता हो कि जो उनकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है वो रिकग्नाइज की जाएगी और रिवार्ड मिलेगी। यानी कि अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस से उनको अगर कोई रिवार्ड मिल रहा है और उनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया जा रहा है तो जाहिर बात है वो मोटिवेट होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकें। तो ये है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब यहाँ पे जो दिया गया है उसके मुताबिक अ प्रोसेस थ्योरी दैट स्टेट दैट मोटिवेशन इज डिटरमाइंड बाय दी आउटकम्स दैट पीपल एक्सपेक्ट टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन ऑन द जॉब। सो कुछ और भी दिया गया यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक पीपल विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन दोज एक्टिविटी दैट दे फाइंड अट्रैक्टिव एंड दे फील दे कैन अकम्प्लिश। यानी कि लोग मोटिवेट होते हैं परफॉर्म करने के लिए उन तमाम वर्किंग एक्टिविटीज़ के अंदर, उन तमाम कामों के अंदर जहाँ पे वो अट्रैक्टिव महसूस करते हैं, उस काम को अट्रैक्टिव पाते हैं और वो फील ये करते हैं कि वो इस काम को कर सकते हैं। तो जो चीज़ उनके लिए अट्रैक्टिव है जो काम, और वो जिस काम को पूरा कर सकते हैं, तो वहाँ वो जाहिर बात है मोटिवेटेड होते हैं। सो एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ मोटिवेशन। सो आप एफोर्ट करते हैं क्योंकि रिवार्ड और या आउटकम मिलता है आपको और आप परफॉर्म करते हैं। सो तीनों चीज़ें लिंक हैं यहाँ पे। सो यू आर लुकिंग एट रिवार्ड, आप रिवार्ड को देखते हैं। सो सबसे पहले एफोर्ट होती है, इफ़ आई वर्क हार्ड विल आई गेट दी जॉब डन। अब एम्प्लॉय सोचता है कि अगर मैं मुश्किल तरीके से मतलब मेहनत करूंगा, मैं अगर वर्क हार्ड करूंगा तो विल आई गेट दी जॉब डन, क्या जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में क्या होता है, व्हाट रिवार्ड विल आई गेट व्हेन द जॉब इज डन, द जॉब इज वेल डन। परफॉर्मेंस में ये होता है कि क्या रिवार्ड मिलेगा, एफर्ट की परफॉर्मेंस हुई, जाहिर बात है जॉब डन हो रही है, सो क्या रिवार्ड मिलेगा अगर जॉब डन हो जाती है। एफर्ट में तो ये सोचा है कि अगर मैं मुश्किल का तरीके से काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ एक्चुअली, तो क्या काम हो जाएगा, जॉब हो जाएगी, और अगर जॉब आ जाएगी तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये परफॉर्मेंस में होता है। और फिर आखिर में आता है रिवार्ड, व्हाट रिवार्ड्स डू आई वैल्यू। सो आखिर में फिर रिवार्ड आता है। सो मोटिवेशनल थ्योरीज, इक्विटी थ्योरी एक तरफ और एक तरफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी, व्हाट आई पुट इन एंड व्हाट आई गेट बैक, यानी कि बराबरी देखी जाती है, जो कुछ मैं लगा रहा हूँ और मुझे जो मिल रहा है। सो उसको तराजू से दिखाया गया है यहाँ पे। और एक्सपेक्टेंसी में कैन आई गेट इट, डू आई वॉन्ट इट, क्या मैं हासिल कर सकता हूँ, एंड डू आई वॉन्ट इट, क्या मैं चाहता हूँ। तो ये है दो थ्योरीज। सो गोल सेटिंग थ्योरी, अब ये जो थ्योरी है ये इस थ्योरी के मुताबिक गोल सेटिंग जो है वो एसेंशियली है, एसेंशियली लिंक्ड है टू टास्क परफॉर्मेंस, यानी कि लाजमी तौर पर वो लिंक्ड है टास्क परफॉर्मेंस से, जो गोल सेटिंग है। और यहाँ पे जो दिया गया है गोल सेटिंग के बारे में, आप मोटिवेशनल टेक्निक, एक मोटिवेशनल टेक्निक है ये दैट यूजेस स्पेसिफिक चैलेंजिंग एंड एक्सेप्टेबल गोल्स, जो कि यूज़ करती है स्पेसिफिक खास किस्म के और चैलेंजिंग, ऐसे जिसमें चैलेंज आए, एंड एक्सेप्टेबल गोल्स, और वो गोल जिनके एक्सेप्टेबल हो, जिनको एक्सेप्ट किया जा सके। प्रोवाइड फीडबैक्स टू इनहेंस परफॉर्मेंस, और प्रोवाइड करना फीडबैक ताकि परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। सो व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर मोटिवेशनल, कौन से गोल्स जो है वो मोटिवेशनल होते हैं, किन गोल्स को के अंदर मोटिवेशन होती है। गोल स्पेसिफिटी, इनके स्पेसिफिक हो, खास हो गोल, जैसे फॉर एग्जांपल 3 GPA लेना है या फिर 4 GPA लेना है, एक खास है, एक चीज़, एक टारगेट बता दिया कि या तो 3 GPA लेना है या 4 GPA लेना है, स्टूडेंट को एक टारगेट बता दिया। गोल चैलेंजिंग हो, चैलेंज हो उसमें, आप जाहिर बात है बिल्कुल सिंपल था कोई गोल हो तो जाहिर बात है वो भी कोई मोटिवेशनल नहीं होता उसमें कोई। और एक्सेप्टेंस हो, ऐसा गोल जो कि काबिले कबूल है, अब स्टूडेंट के लिए जारी बात है, अब 4 GPA लेना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 GPA फिर भी एक्सेप्टेबल है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, तो गोल एक्सेप्टेंस के अंदर 3 GPA एक्सेप्टेंस होगा। और फीडबैक होना, एक फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, तो इन तमाम चीज़ें होती हैं, तो फिर गोल जो है वो मोटिवेशनल होता है। सो एनहेंसिंग गोल एक्सेप्टेंस, अब गोल की जो एक्सेप्टेंस है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, पार्टिसिपेशन की जाए, यानी कि जब गोल बताया जाए, अब जैसे 4 GPA का कहा जा रहा है स्टूडेंट को, तो उसको बताया जाए कि भाई 4 GPA लेने से स्टूडेंट को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये बताया जाए कि ना सिर्फ GPA आएगी बल्कि उसके बाद भी, एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट को क्या क्या फायदे आ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाए। पोजीशन आ सकती है, अगर 4 GPA कोई स्टूडेंट लेता है तो उसकी पोजीशन भी आ सकती है, पोजीशन होल्डर भी हो सकता है। तो इस तरीके से पार्टिसिपेशन की जाए स्टूडेंट को, जब गोल के दरमियान उसको बताया जाए फायदे, उसको बताया जाए गोल के, उसके बाद फिर रिवार्ड दिया जाए कि भाई अगर तुमने 4 GPA हासिल की तो तुम्हें ये रिवार्ड मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन मिल जाएगा या कोई गाड़ी मिल जाएगी। तो इस तरह करके उसको रिवार्ड दिया जाए,
ये अगर तुमने ये हासिल कर लिया तो ये, और फिर सपोर्टिवनेस, वो सपोर्ट भी किया जाए कि किस तरीके से जो है वो अचीव किया जाए इस गोल को, सपोर्ट भी किया जाए, तो ये चीज़ें होंगी तो गोल एक्सेप्टेंस में ठीक ठाक जो है वो इजाफा होगा। सो मैनेजेरियल इम्प्लीकेशन ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। सो मैनेजेरियल इम्प्लीकेशन जो है, सजेशन जो है वो गोल सेटिंग थ्योरी के, वो क्या है, सेट करना स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल। अभी आप पीछे भी आपको बताया कि स्पेसिफिक हो गोल और चैलेंजिंग हो, एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक सो दैट इंडिविजुअल कैन कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद द गोल। अब फीडबैक, जैसे आपको फीडबैक दिया जाता है जब भी असाइनमेंट होते हैं, उसका रिजल्ट आता है, क्विज होते हैं, GDP होते हैं, तो ये फीडबैक दिया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो होती है उसको कंपेयर किया जा सकता है गोल के साथ। कि अब जाहिर बात है मार्क्स अगर असाइनमेंट में अच्छे आ रहे हैं और क्विज में भी और GDP में भी, तो अगर 10 out of 10 या 20 out of 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट अंदाज़ा कर सकता है कि वो 4 GPA लेने के करीब से करीब तर होता जा रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहे अच्छे मार्क्स, तो स्टूडेंट को अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना पीछे है 4 GPA लेने के लिए। तो ऑन गोइंग फीडबैक से भी जाहिर बात है कंपेयर की जाती है परफॉर्मेंस गोल के साथ, के गोल से कितने नज़दीक हैं। सो टू फैक्टर्स थ्योरी जो कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी, इसमें मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर हैं। हाइजीन फैक्टर्स अवॉइड जॉब डिससेटिस्फेक्शन। अब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। अगर ये फैक्टर्स एबसेंट होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन होगी, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन होगी। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कंपनी की पॉलिसी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस और सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें जो है वो हाइजीन फैक्टर में आती हैं। और उसके बाद है फिर मोटिवेशन फैक्टर। अब मोटिवेशन फैक्टर्स अगर होंगे तो उससे जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, इसके अंदर अचीवमेंट आ जाता है, अचीवमेंट रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ जो काम है वो खुद, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एडवांसमेंट यानी आगे बढ़ना, करियर एडवांसमेंट, ग्रोथ होना और सैलरी, ये तमाम चीज़ें मोटिवेशन फैक्टर्स में आती हैं। अब इसके थोड़ा और देखते हैं। सो डेवलप किया इस थ्योरी को फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। ये पोर्ट्रे करती है टू डिफरेंट फैक्टर्स को, दो मुख्तलिफ फैक्टर्स में है, हाइजीन और मोटिवेशन, एज द प्राइमरी कॉज ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। हाइजीन नहीं होगा तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी, और मोटिवेशन होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, लेकिन इसको आप अच्छी तरह समझे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो हाइजीन फैक्टर, सोर्सेस ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब डिससेटिस्फेक्शन के सोर्सेज ही हैं, अगर ये नहीं होंगे तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी। एसोसिएटेड विद द जॉब कॉन्टेक्स्ट और वर्क सेटिंग, एसोसिएट है ये, जुड़े हुए हैं जॉब का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो वर्क सेटिंग है। अब इम्प्रूविंग हाइजीन फैक्टर से क्या होता है, अब आपको समझने वाली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो यही है कि इम्प्रूव होने से हाइजीन फैक्टर्स, जब हाइजीन फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, उससे क्या होगा, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बीइंग डिससेटिस्फाइड। हाइजीन फैक्टर इम्प्रूव होने से लोग जो है वो डिससेटिस्फाई होने से रुक जाएंगे, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे अगर हाइजीन फैक्टर इम्प्रूव होंगे, बट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू सेटिस्फेक्शन। लेकिन एक तरफ लोग डिससेटिस्फाई होने से तो बच जाएंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई तो नहीं होगा अगर हाइजीन फैक्टर्स होंगे, लेकिन एक तरफ वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा, मोटिवेट भी नहीं होगा। अब वो जो सेटिस्फेक्शन है वो आएगी मोटिवेशन फैक्टर से, हाइजीन फैक्टर डिससेटिस्फेक्शन को रोक देगा लेकिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाइजीन फैक्टर ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉय रुक जाएगा ऑफिस के अंदर, काम छोड़ के नहीं जाएगा वो, लेकिन वो मोटिवेट भी नहीं होगा ज़्यादा काम करने के लिए। सो सोर्सेस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, अब जो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी वो मोटिवेशन फैक्टर्स के थ्रू होती है, ये भी एसोसिएटेड है जॉब कंटेंट के साथ। सो बिल्डिंग मोटिवेटेड फैक्टर्स इनटू द जॉब्स एनेबल पर्सन टू बी सेटिस्फाइड, इससे क्या होता है कि लोग सेटिस्फाइड होते हैं। और एब्सेंस अगर होगी मोटिवेशनल फैक्टर की, तो उससे क्या होगा, लो सेटिस्फेक्शन होगी, लो मोटिवेशन होगी, लो परफॉर्मेंस होगी। तो जॉब कि अगर अंदर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आती है स्टूडेंट की, ज़्यादा मोटिवेशन हो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर का होना ज़रूरी है। मोटिवेशन फैक्टर से जॉब की जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर होती है, हाइजीन फैक्टर से एम्प्लॉई ऑफिस के अंदर रुक जाता है, एम्प्लॉई छोड़ के नहीं जाएगा जॉब। हाइजीन फैक्टर है रोकने के लिए एम्प्लॉई को, और मोटिवेशनल फैक्टर्स है एम्प्लॉई से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए। सो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो ज़रूरी हैं। सो अब यही चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे, जिसमें क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइज उसको कर रहा है, उसकी क्वालिटी है, पे, सैलरी, कंपनी की पॉलिसीज, जाहिर बात है पॉलिसीज खराब हो तो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। फिजिकल वर्किंग कंडीशन, जो वहाँ की वर्किंग कंडीशन है फिजिकली तौर पर, यानी कि मशीन वगैरह या जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ का, वो
वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो, और रिलेशंस विद अदर दूसरे जो काम करने वाले उनके साथ जो रिलेशंस है वो, जॉब सिक्योरिटी ये भी बड़ी मैटर करती है। अगर एक जॉब सिक्योर नहीं है तो जाहिर बात है कोई भी ऐसी जॉब नहीं करना चाहेगा जो सिक्योर ना हो, कि कभी भी जॉब जाने का खतरा है। उसके बाद मोटिवेटर जो है उसमें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, आप प्रमोशन की अगर अपॉर्चुनिटी है तो वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा कि उसको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी प्रमोशन मिल सके, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, उसकी अपनी जो ग्रोथ है उसकी अपॉर्चुनिटी, उसको कितनी रिकग्निशन, उसको कितना रिकग्नाइज किया जा रहा है कि जो काम कर रहा है उसको रिकग्नाइज किया जाता है कि भाई वाकई में ये बहुत अच्छा काम करता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसकी अचीवमेंट, तो इन तमाम चीज़ों से वो सेटिस्फाई होता है। सो जॉब मोटिवेटर्स जो होंगे वो जितने ज़्यादा होंगे सेटिस्फाई होगा एक एम्प्लॉय, और हाइजीन फैक्टर होंगे तो डिससेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर एब्सेंस होंगे तो डिससेटिस्फाई होगा, वर्कर जो है वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। सो नाउ दी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सो बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर जो है फंक्शन है अपने कॉन्सिक्वेंसेस का। कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद होता है नतीजा, ये नतीजे की जमा है, यानी कि जो नतीजे हैं उसका फंक्शन है बिहेवियर जो है, यानी कि वट एवर यू डू एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी आप करते हैं वो डिपेंड करता है कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर। सो कॉन्सेप्ट इसका ये कि बिहेवियर इज एनवायरमेंटली कॉस्ट, यानी बिहेवियर एक फंक्शन है पर्सन का और एनवायरमेंट का, एंड बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, रीइन्फोर्स किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग, बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग कॉन्सिक्वेंसेज, एंड रीइन्फोर्स बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेड। यानी कि अब ये जो टेंड्स टू बी रिपीटेड वाला जो मामला है, लॉ अफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट का ये आगे आएगा तो क्लियर हो जाएगा। सो रीइन्फोर्समेंट थ्योरी, सो आप बिहेव करते हैं आफ्टर लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको देखते हुए आप बिहेव करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रीइन्फोर्स किया जाता है उनको, पॉजिटिव या नो रिवार्ड, जिसको नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट भी कहते हैं, और पनिशमेंट के जरिए। यहाँ पे तीनों चीज़ें, रिवार्ड्स, नो रिवार्ड्स एंड दी पनिशमेंट। सो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट रिवार्ड के थ्रू, एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, नो रिवार्ड एंड दी पनिशमेंट। सो रीइन्फोर्समेंट थ्योरीज एंड हाउ दे आर लिंक टू मोटिवेशन, यानी किस तरीके से वो लिंक्ड है मोटिवेशन। सो लॉ ऑफ इफेक्ट, थ्योरेटिकल बेसिस फॉर मैनिपुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन अ प्लेजेंट आउटकम इज लाइकली टू बी रिपीटेड, व्हाइल बिहेवियर दैट रिजल्ट इन अ अनप्लीजेंट आउटकम इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड। यानी कि ऐसा बिहेवियर जिससे जिसको करने के बाद एक प्लेजेंट, एक अच्छा आउटकम आए आए, एक अच्छा नतीजा मिले, तो वो बिहेवियर बार बार लोग करना चाहेंगे। कोई भी आप काम करें उसके बाद आपको कोई एक अच्छा आउटकम मिले, कोई रिवार्ड वगैरह मिले उस पर करने पे, कोई शाबाशी वगैरह मिले, तो वो बिहेवियर बार बार करना चाहेगा। लेकिन एक अगर अनप्लीजेंट किस्म का आउटकम है, गैर खुशगवार किस्म का कोई नतीजा आ रहा है, तो ऐसा बिहेवियर रिपीट नहीं होता, ऐसा बिहेवियर कोई नहीं करना चाहता। सो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट को अवॉइडेंस भी के नाम से भी जानते हैं, और द विड्रॉल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू इंक्रीज द लाइटलीहुड ऑफ रिपीटिंग द डिजायर्ड बिहेवियर इन सिमिलर सेटिंग। यानी कि एक्चुअली नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में क्या होता है, रिमूवल की जाती है, मिटा दिया जाता है जो कोई चीज़ नेगेटिव होती है, ताकि स्ट्रेंथन किया जाए एक बिहेवियर को, एक बिहेवियर को मजबूत किया जाए। एंड द पनिशमेंट, पनिशमेंट एक अलग चीज़ है, जाहिर बात है नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट अलग चीज़ है। सो पनिशमेंट में क्या है कि पनिशमेंट पनिशमेंट के जरिए रिड्यूस किया जाता है लाइकलीहुड एक बिहेवियर की, एक बिहेवियर की लाइकलीहुड को रिड्यूस किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में दोबारा ना हो। जब एक शख्स को पनिश किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो बिहेवियर वो कर रहा है, वो बिहेवियर जो है वो करना छोड़ देगा फ्यूचर में, तो इस चीज़ के लिए पनिशमेंट की जाती है। लाइकलीहुड किसी भी बिहेवियर की जो है वो रिड्यूस की जाती है, बाकी जो रिइन्फोर्समेंट थी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहाँ ये था कि किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता था, मजबूत किया जाता था कि वो बिहेवियर हो बार बार, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बिहेवियर की लाइकलीहुड को जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है कि ये बिहेवियर दोबारा ना हो, तो यही पनिशमेंट होती है। सो समरीज ऑफ ओबी मोड और स्ट्रेटजीज, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, अब यही बात आ गई,
रीइन्फोर्समेंट हमेशा की जाती है, यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग डिजायरेबल बिहेवियर, उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, मजबूत एक तरह से किया जाता है ताकि बार बार हो वो जो डिजायरेबल बिहेवियर है, जो बिहेवियर डिजायर किया जा रहा है, जबकि पनिशमेंट के जरिए अनवीकन किया जाता है अनडिजायरेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो डिजायर नहीं किया जा रहा कि इसको किया जाए, रोका जाए, जिस बिहेवियर से रोका जा रहा है उसको वीक किया जाता है पनिशमेंट के जरिए। एंड द लॉ ऑफ कंटिजेंट री इन्फोर्समेंट, सो रिवार्ड मस्ट बी डिलीवर्ड ओनली इफ द डिजायर्ड बिहेवियर इज एक्सिबिटेड, रिवार्ड तभी डिलीवर्ड होना चाहिए जब डिजायर्ड बिहेवियर एक्सिबिट हो, यानी उसको दिखाया जाए, जब डिजायर्ड बिहेवियर दिखाया गया तभी रिवार्ड जो है वो डिलीवर्ड हो। एंड लॉ ऑफ इमीडिएट री इन्फोर्समेंट क्या है, द रिवार्ड मस्ट बी गिवन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिजायर्ड बिहेवियर इज एक्सिबिट, और इसके मुताबिक इमीडिएट री इन्फोर्समेंट के मुताबिक रिवार्ड मस्ट बी गिवन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवार्ड दे दिया जाए जब डिजायर्ड बिहेवियर एक्सिबिट हो, उसको दिखाया गया हो। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 15 करवाया गया, सॉरी 14 करवाया गया। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।